Hey everyone, Shashank this side once again and we are starting out with another topic today. आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 6 free tools के बारे में जिन tools को आप use करके keyword search कर सकते हैं completely free. ये tools जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको help करेंगे. अगर आपको keyword search करनी है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और आप afford नहीं कर सकते महंगे tools जैसे कि Ahrefs हो गया, SEMrush हो गया, तो आप कैसे free tools से भी इन चीज़ों की तरह ही काम कर पाएँ, बहुत कुछ research कर पाएंगे इन free tools के बदौलत. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपको और फटाफट बताऊँगा आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए इसलिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा. तो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 6 डिफरेंट टूल्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और इन 6 के 6 टूल्स के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊँगा आज. तो चलते मेरी स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी. देखिए सबसे पहला टूल है जो हमारे पास में वो है ऑब्वियसली नंबर 1 टूल व्हिच इज़ कीवर्ड प्लानर. कीवर्ड प्लानर आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे, आपको ads.google.com पे जाना होगा. यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है. यहाँ पर आने के बाद में आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पर सर्च कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. आप चाहे तो कोई डोमेन भी एंटर कर सकते हैं जिससे आपको उस डोमेन से रिलेटेड कीवर्ड्स भी दिखाएगा, या उस रिलेटेड सर्चेस के जो कीवर्ड्स होंगे उनको ही केवल आपको डिफाइन करेगा. आप उसके लिए यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करिए और आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स हैं आपके सामने स्क्रीन पे, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 74,000 का सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है आपको. काफ़ी अच्छा सर्च वॉल्यूम है यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे, राइट. मैं आपके हिसाब से मीडियम कंपटीशन दिखा रहा है जो कि आपके लिए नहीं है, ये कंपटीशन है जो एड्स चलाते हैं उनके लिए. लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको टॉप 10 रिजल्ट्स के हिसाब से एनालाइज करना है कि कौन से रिजल्ट्स ऐसे हैं जो वीक हैं जिनको आप आसानी से आउटरैंक कर सकते हैं. उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कीवर्ड पे काम करना है या नहीं करना है. आप इसको आराम से यहाँ पर एक्सपैंड कर लीजिए. डिफरेंट कीवर्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं. आप चाहें तो जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं आप उसको भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं. बहुत सारे रिजल्ट्स आपको यहीं पर दिखना शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट टूल विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सेकंड टूल विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ ऊबर सजेस्ट. ऊबर सजेस्ट भी एक बहुत अच्छा टूल है. अगर आप यहाँ पर भी काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे. मैं सेम कीवर्ड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. ऊबर सजेस्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा ubersuggest.com पे. ubersuggest.com पे जाने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है. आपको वहाँ पर जाने के बाद में सिर्फ अपना कीवर्ड टाइप करना है. अगर आप लॉगिन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स के भी आप फ़ायदे उठा सकते हैं. और अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें कम दिखेंगी. मेक श्योर कि आप कर ले लॉगिन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं. कम्प्लीटली फ्री अकाउंट है, यहाँ पर कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा. देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी टूल, इस टूल की बात क्या है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साफ साफ कि एवरेज वेब पेज दैट रैंक्स इन द टॉप 10 हैज़ 158 बैकलिंक्स. मतलब ये आसान कीवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है. आपको करीब करीब 150 बैकलिंक्स चाहिए हैं यहाँ पर रैंक होने के लिए, और एक एवरेज डोमेन स्कोर जो है वो 77 है विच इज़ वेरी हाई. तो मतलब अगर आपको रैंक होना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन बेस्ट पार्ट ये है, अगर हम कॉस्ट पर क्लिक जो कि CPC है उसकी बात करें तो 90 रुपीज़ के आसपास दिखा रहे हैं एवरेज. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 90 तो इंडिया में नहीं आता है, बट आपको 20 से 25 रुपये मिलने के पूरे चांसेस हैं जो आपको मिल सकते हैं पर क्लिक पे. इसके अलावा आपकी पेड डिफिकल्टी जो एड्स के लिए होती है वो दिखा रहा है आपको 65, वैसे ही डिफिकल्टी 55. सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है 74,000 विच इज़ अ हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड. अब इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो और भी बहुत सारा डेटा हमें मिलेगा. तो इस तरह के भी कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़र सर्च करता है, और आप चाहें तो बहुत आराम से इनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं. इन पे आप चाहें तो रैंक हो सकते हैं. देखिए यहाँ पर आपका दिखा रहा है SD, राइट, डिफिकल्टी, SEO डिफिकल्टी आपको जो दिखा रहा है. यहाँ पर आपको सारे कीवर्ड दिख रहे होंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे हाई दिखा रहा है 55 के आसपास है. बट वहीं पर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली पर आते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, सो इट्स 22 and 22. सो मतलब ये जो कीवर्ड है आपका फिर भी आसान है. तो आप इस तरह से और कीवर्ड्स भी ढूंढ सकते हैं. व्यू ऑल कीवर्ड पे क्लिक करके आपको पूरी की पूरी डेटा शीट यहीं पर दिख जाएगी. जो टॉप कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, और आप चाहें तो उनको भी एनालाइज करके देख सकते हैं. चलते हैं हमारे तीसरे टूल की तरफ जो कि है एक क्रोम एक्सटेंशन. जी हाँ, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र यूज़ करते हैं जो नया है, यैंडेक्स ब्राउज़र जो है, आप उस पर भी चाहें तो क्रोम के एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पर आप SEO सर्फर या कीवर्ड सर्फर टाइप करके सर्च करना है, जिसमें हमें लिखना पड़ेगा क्रोम.
क्रोम वेब स्टोर। आप जैसे इसको सर्च करेंगे आपको यहाँ पर रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, और सबसे पहला रिजल्ट्स होगा आपका वेब स्टोर का। यहाँ पर आपको सर्च करना है एसईओ सर्फर, आपका कीवर्ड सर्फर सामने आ जाएगा। इट टेक्स अ सेकेंड ओनली। कीवर्ड सर्फर, एसईओ सर्फर, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अच्छी बात यह है इसकी कि आप अगर मान लीजिए अपना कीवर्ड यहीं पर सर्च कर रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपको यहीं पे कीवर्ड के आइडियाज़ भी मिलेंगे, इससे मिलते जुलते जो हैं, और साथ ही साथ में इस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है और एक एवरेज सीपीसी कितनी है वो आपको दिख जाएगा। मेक श्योर कि आप अपनी कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लें प्रॉपरली। यहाँ पर कंट्री का ऑप्शन होता है, आप कोई भी कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कंट्री के आप सिटीजन हैं या जिस कंट्री में आप टारगेट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट टूल पे आपको चलता हूँ लेके। उस टूल में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उस टूल में क्या बेनिफिट है। इस टूल में मुझे ये वीडियो बहुत पसंद है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप थोड़ी देर भी देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, और कुछ देर में आपको समझ में आएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है, राइट? सो द वीडियो इज प्रीटी मच इंटरेस्टिंग। आपको यहाँ पर कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं फिर से आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर देता हूँ, राइट? दैट्स माई इंडस्ट्री, दैट्स वाई एम टॉकिंग अबाउट दिस कीवर्ड अलॉट। आप अपने मन से अपना कीवर्ड चूज कर सकते हैं। आपको ये कीवर्ड के आगे जो एक्सटेंशंस होते हैं, मतलब अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया और उसके आगे एक स्पेस प्रेस किया और कोई भी एक लेटर या कैरेक्टर आपने टाइप किया, जैसे ए बी सी डी कुछ भी, तो उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपको दिखा देता है गूगल में। इस तरह से करने से आपको दिखाता है। यहाँ पर आपको बहुत अलग तरीके से आपके जो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। थोड़ा और नीचे आएंगे आप तो अलग अलग 40 प्रिपोजिशंस के साथ में दिखाएगा ये आपको, जो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको कीवर्ड के एक्सटेंशंस प्रॉपरली मिल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपोजिशन वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज यूजफुल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज गुड और बैड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर MBA, फॉर हाउसवाइफ, फॉर बिजनेस ओनर्स, फॉर बिगिनर्स, नियर, राइट, कैन, विदाउट, टू, विद, इज, इस तरह के जितने भी प्रिपोजिशंस रिलेटेड आपके कीवर्ड्स होंगे वो भी दिखा देगा, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं टारगेटिंग के पर्पज से। तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं टारगेटिंग के लिए। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको कंपैरिजन कीवर्ड्स भी मिलेंगे, जैसे लाइक, वर्सेस, वर्सेस और, एंड। तो अगर आप मान लीजिए अमेजोन से रिलेटेड कोई टर्म यूज कर रहे हैं जिसको आप रैंक कराना चाहते हैं, तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। इसी तरह से आपको नीचे बहुत सारा कॉन्टेंट मिलेगा, आप इसको एक बार चेक करिएगा, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा किस तरह से टूल काम करता है। नेक्स्ट टूल पे चलते हैं हमारे, जो कि है LSI ग्राफ। LSI बेसिकली क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। LSI का मतलब होता है लेटेंट सेमांटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। आप जब भी कुछ गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पर सर्च किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं नीचे आके तो यहाँ पर कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स होते हैं जो कि सर्चर्स रिलेटेड टू के नाम से आते हैं, जैसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। यहाँ पर ये जो ऑनलाइन कोर्सेज या गूगल या फ्री ऑनलाइन, फ्री दिल्ली, इन दिल्ली, सिलेबस, PDF, फीस ऑनलाइन, बेस्ट, ये जो टर्म्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली, या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, इनको हम बोलते हैं LSI टर्म्स। तो ये जो LSI टर्म्स हैं इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जाएंगे तो आपको रैंकिंग में आसानी होगी। थोड़ा सा नो डाउट सर्च वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन आपको बहुत आसानी से रैंकिंग हो जाती है। तो जो मेन कीवर्ड्स हैं उनके लिए आपको पुश मिलता है, गूगल आपको रिकॉग्नाइज कर लेता है। देखिए, मैं अगर यहाँ पर मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या कंसल्टेंट, वट एवर इट इज, तो मैं यहाँ पर इसको सर्च कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से। बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके एक अच्छे खासे सर्च वॉल्यूम है आपको यहाँ पर दिखाएगा, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2019। मेरा रिकमेंडेशन है कभी भी पुराने ईयर के कीवर्ड्स पे काम मत करिएगा, क्योंकि ये कीवर्ड जो होते हैं कि पिछले साल के होते हैं, इस पे कोई भी सर्चेस नहीं करता है। सो यहाँ पर आपको 170 दिखा रहा है, बट आपको एक भी सर्चेस इससे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं सूबल पे। सूबल गूगल का भाई, सूबल और अगर मैं आपको सर्च बताऊं तो कहीं ना कहीं ये आंसर द पब्लिक की ही कॉपी है नए अंदाज में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर भी एक बार सर्च करके, अगर आप चाहें तो इनको भी सर्च कर सकते हैं, और आपको यहीं पे ही ये बहुत सारे सर्च के टर्म्स दे देगा, राइट? हमने जब सर्च किया था तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट? आपको राइट साइड पे सब दिख रहे होंगे। यहाँ पर विकिपीडिया में किस तरह के टर्म्स जो यूज होते हैं, गूगल में किस तरह के टर्म्स यूज होते हैं, साथ में आप amazon.com पे, याहू पे, ईबे पे या फिर बिंग, तो इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कीवर्ड्स आते हैं।
मान लीजिए आपको बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज चाहिए, टॉपिक्स चाहिए जिनको आप ढूंढ रहे हो, मे बी आपको वीडियोस बनाने हैं मेरी तरह, राइट? सो आप यहाँ पर आकर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं अपने टर्म्स रिलेटेड जिस निश में आप काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा और बहुत आराम से आप उन पर भी वीडियोज बना के पब्लिश कर सकते हैं, या मे बी अपने कीवर्ड सर्च में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे अच्छे अच्छे टूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि आप कोई भी फ्री टूल यूज़ करिए, कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एडवांटेज और एज होता है पे टूल्स को यूज़ करने में। और मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट यू टू परचेज एनीथिंग, नो, आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ज़रूरी नहीं लगता है। लेकिन मुझे भी काम करते हुए बहुत वक्त हो गया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको आज के कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में आगे बढ़ना है और आपको चाहिए SEO में कि आप जल्दी जल्दी अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट रैंक करके अपनी साइट्स को रैंक करा पाएं, तो कहीं ना कहीं आपको पेड टूल्स पे जाना ही पड़ेगा। बहुत सारे ग्रुप वाइज सर्विसेज हैं, आप कहीं से भी स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, और जब एक बार आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएं देन यू कैन डेफिनेटली परचेज गुड टूल्स लाइक HRFs, SEMrush, wherever you wanna go, राइट? होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर मैंने कोई भी टूल मिस किया हो जो आपको पता है कि फ्री है, बहुत अच्छा काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय।